मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-07-24131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे देवोत्थान एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपाय और टोटकों की, जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, उनकी कृपा दिलाते हैं। लेकिन हम लोग उपायों और टोटकों पर जाएं, उसके पहले मैं आपको ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये संदेह आपका, ये डाउट आपका समाप्त कर देना चाहता हूँ कि ये उपाय, ये टोटके जो हैं वो सिर्फ देवोत्थान एकादशी के हैं। ऐसा नहीं है, ये हर एकादशी पर, या ये भगवान विष्णु के टोटके हैं। अगर एकादशी ना भी हो और आपके कोई मनोकामना है, आप भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते हैं, तो किसी भी गुरुवार से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप इन टोटकों को आरंभ कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी बीच में एकादशी आए आप उसमें कर सकते हैं। या आप जो है देवोत्थान एकादशी से जब देवता जागृत होते हैं उनको प्रसन्न करके उस दिन ये उपाय करें, और उसके बाद गुरुवार के गुरुवार अगर आप ये उपाय करें तो भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो अब मैं समझता हूँ कि मैंने आपके मन का संदेह दूर कर दिया होगा कि ये उपाय सिर्फ जो है देवोत्थान एकादशी तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। ये भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाले बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं, और इनके लाभ असीमित हैं, मतलब अनलिमिटेड इनके फायदे हैं। आप इनको किसी भी एकादशी पर करें, भगवान विष्णु की किसी भी तिथि पर करें, आप इनको जो है गुरुवार के दिन करें, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु को आप प्रसन्न करें और भगवान विष्णु आपके समस्त मनोरथ यानी मनोकामनाएं सिद्ध करें, पूरा करें, तो भगवान विष्णु के ये सरल उपाय आपको जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को तीनों लोकों का स्वामी माना जाता है, या यूं कहें कि तीनों लोकों के पालनहार कहे जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार या महात्म के अनुसार भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर गुरुवार के दिन या जो प्रदोष उनकी विशेष तिथि है। प्रदोष तिथि के बारे में मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि प्रदोष की जो तिथि है वो मेरे हृदय के समान मुझे प्रिय है, वो मेरा जो है दिल है, हार्ट है। तो भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय तिथि है और गुरुवार उनका दिन है। तो गुरुवार और प्रदोष किसी भी दिन एकादशी जो है वो आप किसी भी तिथि में इन उपायों को कर सकते हैं। तो खास तौर पर गुरुवार और एकादशी पर इन उपायों को अगर आप करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की समस्त मनोकामना जो है वो पूरी करते हैं। किसी भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। इसलिए सभी भक्तों को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के किसी भी रूप के स्मरण मात्र से ही समस्त मनोरथ, सकल मनोरथ जिसे कहते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अतः जीवन में सफलता पाने के लिए जो भी उपाय मैं आपको बताऊँ, भगवान विष्णु की जो स्तुतियाँ आपको बताऊँ, उनको करना बहुत ही चमत्कारी माना गया है। किसी भी तरीके से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप उनसे अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। देवोत्थान एकादशी से, इसके अलावा किसी भी एकादशी या वीरवार, जिसे गुरुवार कहते हैं, गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें, साथ ही उनका पाठ आप जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार गुरु जो है कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह बृहस्पति जो है वो पुरुषों के लिए धन कारक और महिलाओं के लिए पति कारक ग्रह है। अतः जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उसकी आर्थिक स्थिति और उसका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय होता है।
जिस भी तिथि में आप पूजा कर रहे हो, प्रातःकाल सुबह उठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, इसके बाद फल फूल पीले वस्त्र और इन सभी चीज़ों से भगवान विष्णु की आप पूजा आराधना करें। इन विशेष तिथियों में केले के पेड़ की पूजा बहुत खास महत्व रखती है। इस दिन सुबह सुबह केले के पेड़ की पूजा करें, शाम के समय उसके नीचे जो है देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही केले के पेड़ पर चने की दाल का भोग लगाना जो है वो बहुत शुभ माना गया है। इस स्थिति में प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना भगवान विष्णु को बहुत ही शुभ होता है और इन केलों को आपको दान में दे देना चाहिए, आपको खुद नहीं खाना चाहिए। अगर इन तिथि में आप व्रत रखते हैं तो आपको केवल पीले फल ही ग्रहण करने चाहिए या पीली चीज़ें ही आपको, बेसन से बनी हुई नमक रहित चीज़ें ही आपको खानी चाहिए। पीली वस्तुओं का दान करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि का निवास होता है और आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। स्वयं इस दिन आप केले न खाएं, शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें और बिना नमक का आपको भोजन करना चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो एक समय आप फलाहार करते हैं और एक समय आप अन्न खा सकते हैं। जो आपको अन्न खाना है उसमें नमक रहित पीला भोजन ही आपको करना होगा, तो पीले भोजन में बेसन का चीला वगैरह जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, वो दही चीनी के साथ मिठाई के साथ वगैरह आप खा सकते हैं। बृहस्पतिवार या एकादशी या देवोत्थान एकादशी की तिथि में आपको एक ही समय भोजन करना है, भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन इस दिन नमक का सेवन आप गलती से भी न करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए या एकादशी की तिथि में जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा कहना ज़्यादा बेहतर होगा, भगवान विष्णु की पूजा के समय में पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु भी पीतांबर पहनते हैं, जिस पीत है अंबर, जिसका हम लोगों को हिंदी व्याकरण में बचपन में पढ़ाया गया, तो पीतांबर का मतलब होता है पीत हो अंबर जिसका, यानी वस्त्र जिसके पीले हो, तो भगवान विष्णु पीतांबरधारी हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का बेहद प्रिय रंग है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीली रंग की चीज़ें भोग लगाई जाती हैं, पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, पीले रंग की चीज़ें दान दी जाती हैं। जो मंत्र मैं बताऊं, इस मंत्र का स्मरण करने से मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धूप व दीप जला करके पीले आसन पर बैठ करके तुलसी की माला से भगवान विष्णु का जो गायत्री मंत्र, जिसे विष्णु गायत्री मंत्र कहते हैं, इस मंत्र की अपने सामर्थ्य अनुसार एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला, ग्यारह माला पाठ करने से यश प्रतिष्ठा और उन्नति की प्राप्ति होती है। ये मंत्र बहुत ध्यान से सुनिए और ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। तो इस मंत्र का अपने सामर्थ्य अनुसार आप जाप करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, भगवान करें कि देवोत्थान एकादशी की तिथि आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ, सफलता और उन्नति लेकर के आए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टिप्स जो हैं आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि इस जानकारी को जब भी आप देखें तो उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आता है, उसका कुछ भला होता है, कल्याण होता है, तो उस पुण्य के भागीदार आप भी बनते हैं, कुछ उसका अंश आपको भी निश्चित रूप से देवी देवता देते हैं, आपका भी कल्याण होता है, तो आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग नए दर्शक हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन्स आपको घर बैठे मिलती रहे, जो बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज्ञानवर्धक, जीवन बदल देने वाली जानकारियाँ हैं जो आपको मेरे चैनल पर फ्री मिलती हैं, ये घर बैठे आपको मिले, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकॉन को, घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाना चाहिए, जिससे सभी आपको नोटिफिकेशन टाइमली जो है अपडेट्स मिलते रहे। इसी शुभकामना के साथ कि भगवान विष्णु आपका कल्याण करें, आपके परिवार में सुख संपन्नता बनी रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना।
आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।